हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस के कण बैच में। मैं आपका साइंस मेंटर, साइंस के दुनिया में कक्षा 10 वाले प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप लोग का जो कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है, कक्षा 10 का जो साइंस का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, आपको क्या क्या तैयारी करना है, क्या कैसे पढ़ें कि जो आगामी जो बोर्ड एग्जाम होने वाले 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 90% नंबर लाना कैसे अनिवार्य है प्यारे बच्चों। और हम आपसे एक वादा करते हैं प्यारे बच्चों, इस टॉप 10 क्लासेस के कण बैच से जितने बच्चे जुड़े रहेंगे डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास को कंटिन्यू लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपको टाइम से पहले सिलेबस समाप्त कर देंगे पूरे एकदम सरल लैंग्वेज में डियर स्टूडेंट। और सिलेबस समाप्त होने के बाद विगत वर्षों जो आपके पिछले वर्ष में जो 5 साल के परीक्षा हुई है, उस 5 साल पे जो बोर्ड पेपर के जो पेपर आए हैं, हर एक पेपर को हम लोग सॉल्व कराएंगे प्यारे बच्चों। और हर एक महीना पे आपका टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट, तो आपके टाइम को नुकसान ना करते हुए प्यारे बच्चों अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तब तक आप लोग जो है एक बार चैनल को फटाक से शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो प्यारे बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, यानी अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, इन सब का अध्ययन हम लोग पहले चैप्टर में करेंगे। कौन से चैप्टर में, देखो पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने, सरल भाषाओं में प्यारे बच्चों आपको उपलब्ध कराए जाएंगे डियर स्टूडेंट। और उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। दूसरे चैप्टर में आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। और पूरे ये जान लीजिएगा, इतना बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है अम्ल क्षार और लवण प्यारे बच्चों, कि आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों। तीसरा चैप्टर है धातु और उपधातु, यानी तीसरे चैप्टर में हम लोग धातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी वस्तुएं धातु हैं, कौन सी धातु क्या होती हैं, उपधातु क्या होती हैं। तो तीसरे चैप्टर में धातु और उपधातु, धातु और अधातु को पढ़ना प्यारे बच्चों। धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु की चमक क्या होती है, अधातु कैसे होते हैं, देखने में कैसे होता होगा, इसके गुण क्या हैं, तो सारे जो अध्ययन है हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कर लेंगे प्यारे बच्चों। आपका जो है चौथा अध्याय है कार्बन और इसके यौगिक। केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण ये चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, ये आपको आगे चल के और विस्तार रूप में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। कार्बन और इसके यौगिक, यानी कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। पांचवा चैप्टर आता है तत्व के आवर्त वर्गीकरण, यानी यहाँ आपको तत्वों के बारे में जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन से ब्लॉक में रखा गया है, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम ट्रिक के साथ आपको सरल लैंग्वेज में सब कुछ सिखाया जाएगा, आपको जो है जो पढ़ाया जाएगा वो आपको दिखाया जाएगा होता कैसे है प्यारे बच्चों। छठवां चैप्टर से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहला अध्याय पढ़ना है जैव प्रक्रम। छठवां अध्याय आपको जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करना है प्यारे बच्चों, और जैव प्रक्रम को जो है एकदम आपको जो है विधिवते पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। सातवां अध्याय है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आठवां अध्याय है प्यारे बच्चों जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, इंटरेस्टेड टॉपिक, इंटरेस्टेड चैप्टर है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर को भी आप आठवें अध्याय में इसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। नौवां अध्याय आता है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, और इसी चैप्टर के साथ साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होगा वो समाप्त हो जाएगा, यानी आपको केवल 4 चैप्टर बायोलॉजी पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। 4 चैप्टर अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग आ जाओगे भौतिक विज्ञान में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यहाँ हम लोग जानेंगे
प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और एकदम सरल लैंग्वेज में, सरल भाषाओं में आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ आप जान जाओगे, अच्छे तरीके से जानोगे प्यारे बच्चों। और जो पाठ्यक्रम में आपके बहुविकल्पी, अति लघुतरी जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग बने रहिएगा कल बैच में प्यारे बच्चों। आपका अगला अध्याय आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास भी है, हमारे पास भी है प्यारे बच्चों। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और अच्छा सा है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मजा। 12वां अध्याय है विद्युत। तो विद्युत तो सब लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो इन चैप्टर इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों विद्युत के बारे में। फिर उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो हम लोग अध्ययन करेंगे 13वें अध्याय प्यारे बच्चों। 14वां अध्याय ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो साधन होते हैं, ऊर्जा जिन साधनों से ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं उन सबको हम लोग 14वें अध्याय में जानेंगे। 15वां अध्याय हमारा पर्यावरण, यानी हम लोग इस वातावरण के बारे में जानेंगे, इस वायुमंडल में उपस्थित कुछ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानेंगे, तो आपका 15वां अध्याय होता है प्यारे बच्चों। लास्ट अध्याय है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी जो प्रकृति द्वारा संसाधन उपस्थित हैं उनको हम लोग कैसे प्रबंधन में रखते हैं, इनका अध्ययन हम लोग 16वें अध्याय में करेंगे। और जैसे ही आपका सिलेबस समाप्त होगा वैसे ही आपको एक 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 जो है पेपर, एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, हम लोग जो है आपके आज आपको जो है साइंस 2023 का जो पाठ्यक्रम है वो आपको बता दिया गया है डियर स्टूडेंट, और आपको हर एक चैप्टर क्रम से, हर एक टॉपिक क्रम से मिलेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी क्लासेस कभी मिसेस नहीं होंगी। और साथ साथ में प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन दोनों प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगर वीडियो लाइक, अगर वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।